हाँ, वेलकम 11th क्लास स्टूडेंट, बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आपने देखा था, हमने कक्षा 11वीं का परमाणु संरचना है ना अध्याय हमने चालू किया है, और इस अध्याय के अंतर्गत आपने देखा था मैंने आपको परमाणु के संदर्भ में जानकारी दी थी। ठीक है, मैंने आपको अवबाहु के नियम के बारे में बताया, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया था बच्चों। ठीक है, और मैंने कुछ उदाहरण देकर आपको उनकी प्रैक्टिस भी करवाया था। फिर बच्चों, मैंने आपको ऑर्बिटल्स के बारे में छोटी सी जानकारी दी। ठीक है, ऑर्बिटल्स की संरचनाएं कैसी होती है, मैंने आपको उनके प्रतिचित्रण भी आपके समक्ष रखे थे, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आज हम बच्चों लेने वाले हैं, देखिए प्रश्न जो आपके सामने है आ रहा है, पाउली पाउली का अपवर्जन, पाउली का अपवर्जन नियम। बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम, समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट डेफिनेशन पहले लेता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन निर्भर होती है उदाहरण पर। अगर डेफिनेशन हो जाती है तो उदाहरण उसको काफ़ी हद तक समझाने में कारगर होता है। तो समझिए पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रत्येक तत्व के परमाणु ऑर्बिटल में किन्हीं भी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों किन्हीं भी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान का मतलब यहां पे बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती यदि कोई भी तीन क्वांटम संख्या समान हो भी जाए तो चौथी सदैव भिन्न होगी। ठीक बच्चों, जैसा कि डेफिनेशन हमारी कह रही है, क्या कह रही है बच्चों, ठीक है ध्यान दीजिएगा और बहुत केयरफुली समझने की कोशिश कीजिए। हम पाउली के अपवर्जन नियम की बात कर रहे हैं बच्चों, कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। बच्चों जैसा कि हमने बोला, प्रत्येक तत्व के परमाणु ऑर्बिटल में किन्हीं भी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है, एक समान या बराबर नहीं हो सकती। यदि कोई तीन क्वांटम संख्याएं समान हो भी जाएं, तो जो चौथी क्वांटम संख्या वो सदैव
भिन्न होगी, ठीक है। यह हमारी डेफिनेशन है। इस परिभाषा को बच्चों हमको उदाहरण से समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चे ठीक। उदाहरण बहुत अच्छे से क्लियर करिए। उदाहरण नंबर एक बच्चों, अगर मैं नाइट्रोजन 7 ले लूं, सबसे पहले मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, 1s2, 2s2, 2p3। मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, उनको ध्यान से समझिए। मैं यहाँ से 2p3 ऑर्बिटल के लिए आपको पाउली के नियम को लागू करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो 2p3 ऑर्बिटल, तो हमने सबसे पहले लिया 2p3, तो हम 2p3 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। तो 2p3 में समझिएगा बेटा कि क्रमागत इलेक्ट्रॉन आप किसको कह रहे हो, है ना। क्रमागत इलेक्ट्रॉन हम किसको कह रहे हैं, सबसे पहले इस पर हम विचार करते हैं बच्चों। तो पी ऑर्बिटल के लिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कितने कक्षक बनते हैं, 3 कक्षक बनते हैं, तो मैं 3 कक्षक बना देता हूं। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो हुंड के नियम का पालन करके प्रत्येक कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, ठीक। चूंकि ये तीनों ही समान ऊर्जा के कक्षक हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया अब आपने। तो क्रमगत का मतलब समझना बच्चों, जैसे नाइट्रोजन 7 में आप देख रहे हो कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए, ठीक। तो ये हो गया आपके 5th नंबर का, ये हो गया आपके 6th नंबर का और ये हो गया आपके 7th नंबर का। तो क्रमगत का मतलब है या तो हम यहां पर सर्च कर लें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर बच्चों हम यहां पर सर्च कर लें, ठीक है, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम यहाँ पे 5th और 6th को ले लें, या तो हम 6 और 7 को ले लें, यानी जस्ट एक के बाद वाला। यानी अगर आपने फर्स्ट लिया तो उसके बाद आप सेकंड ले लो, अगर आपने सेकंड लिया तो आप थर्ड ले लो, आपने थर्ड लिया तो उसके बाद वाला फोर्थ ले लो, फोर्थ लिया तो 5th ले लो उसके साथ। तो क्रमगत का मतलब है जस्ट एक और ठीक उसके बाद वाला। तो यहाँ पर हमको ये क्रमगत की बात समझ में आ गई। तो बच्चों हमने कहा है कि किन्हीं भी 2 क्रमगत इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। अब ये क्वांटम संख्या जो शब्द आपके सामने आ रहा है ना, अब आप लोग सोचेंगे ये क्वांटम संख्या क्या है। बच्चों इस टॉपिक के बाद हम उस पर भी विचार करेंगे और समझेंगे कि क्वांटम संख्या क्या है। फिलहाल में इस प्रश्न को हम पूरा सॉल्व करेंगे और समझेंगे, फिर इस प्रश्न के बाद हम क्वांटम संख्या को भी डिटेल में ले लेंगे, ठीक है। और आप दोनों वीडियोस को जब आप आगे पीछे कर कर एक बार चेक कर लेंगे और आप बार बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि क्वांटम संख्या क्या होती है। तो बच्चों हमने कहा कि किन्हीं भी 2 क्रमगत इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। यदि कोई भी 3 समान हो जाएंगी तो चौथी भिन्न होंगी। तो मैं यहां पर आपको 5th और 6th नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक, पूरा सॉल्यूशन। तो सबसे पहली जो क्वांटम संख्या होती है बच्चों वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, सबसे पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो हम देख रहे हैं 2p3 ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के सामने जो नंबर होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ऑर्बिटल के सामने जो नंबर होगा वही मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है, ठीक। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया और उसका मान कितना निकाल दिया, 2 निकाल दिया। दूसरा जो मान आता है बच्चों वो कहलाती है दिगमशी, दिगमशी क्वांटम संख्या। बच्चों दिगमशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है आप याद रखेंगे, n-1। क्योंकि बच्चों आपने n का मान पहले से ही कैलकुलेट कर रखा हुआ है, तो इसी n के मान को अब आपको इस n की जगह में क्या करना है, प्लेस कर लेना है। जब आप प्लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2-1, सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपने l का मान कितना निकाला, 1 निकाला।
एक चीज बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं इसका रीजन आपको बाद में जरूर दूंगा कि क्यों करना है। जब भी आपकी वैल्यू शून्य से बड़ी आएगी, जैसे एक आया तो एक से पहले आप शून्य को शामिल कर लीजिए, अगर मान लीजिए दो आएगा तो आप शून्य और एक को शामिल कर लेंगे, तीन आएगा तो शून्य एक दो को शामिल कर लेंगे, चार आएगा तो शून्य एक दो तीन को शामिल कर लेंगे, इसी तरह से आप इसको करते चलेंगे। ऐसा क्यों करना है ना, ये आपको समझ में आएगा जब हम इसी चैप्टर में इस टॉपिक के बाद क्वांटम संख्या का अध्ययन करेंगे, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों इस टॉपिक में अभी हम आगे चल रहे हैं और आगे जैसे हम पहुंच रहे हैं तो आगे क्या आ रहा हमारा, ठीक आपने देखा भी मैंने आपको दो क्वांटम संख्याएं कैलकुलेट करके दिखाया, मुख्य और विगमशी। बच्चों तीसरी क्वांटम संख्या हम कैलकुलेट करेंगे और तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकी, चुंबकी क्वांटम संख्या। बच्चों याद रखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इसके लिए जो फार्मूला है वो होता है 2L+1, ठीक है। आपने देखा इससे पहले वाले जो पेज हमने टर्न किया वहां पर हमने l की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाया था बच्चों, तो मैं थोड़ा सा रफ में आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमने n की वैल्यू दो कैलकुलेट की और l की वैल्यू जो हमने निकाली वो एक आई थी। मैंने बोला वैल्यू बिकॉज ऑफ जीरो से बड़ी आ रही है तो आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो आपने जीरो इंक्लूड कर लिए। ये दोनों मान हम किसके लिए निकाल के चल रहे थे, हम निकाल के चल रहे हैं 2p3 के लिए, ठीक। पी ऑर्बिटल के सामने नंबर दो था इसलिए n की वैल्यू आपने दो निकाला। चूंकि बच्चों ये जो l है ना, ये l बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर l के दो मान है, l बराबर जीरो और l बराबर वन। तो बच्चों ध्यान दीजिए ये जो l बराबर जीरो है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है s ऑर्बिटल को, और ये जो l बराबर वन है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है p ऑर्बिटल को। मतलब l का मान जब आप जीरो रखेंगे तो आप s ऑर्बिटल से संबंधित जो भी गणना होगी वो कर पाओगे, लेकिन जब l का मान कितना रखोगे, वन रखोगे, तो p ऑर्बिटल से संबंधित जो गणना होगी आप वो कर पाओगे। तो बच्चों अभी आप देख रहे हो हम 2p ऑर्बिटल के लिए सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो p ऑर्बिटल है हमारा और p ऑर्बिटल के लिए हम जो l का मान इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या लेकर चलना पड़ेगा, हमको 1 लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब l का मान 1 होता है तो वो p ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है, निरूपित करता है। समझ में आई मेरी बात, ठीक। तो बच्चों हम यहां पर l का मान 1 रिप्रेजेंट कर देंगे, तो 2 l की वैल्यू 1+1, तो 2 से 1 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा बच्चों प्लस 1, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हमने m का मान कितना निकाला, 3 निकाला। ये जो m का मान बच्चों 3 आया ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो p ऑर्बिटल आपके सामने प्रेजेंट है ना, इस p ऑर्बिटल के कक्षक कौन निकालता है, m निकालता है। तो p ऑर्बिटल के लिए m ने कितना मान दिया आपको, 3, इसका मतलब इसके 3 कक्षक बनेंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 3 ब्रैकेट ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप 3 कक्षक ड्रॉ कर देंगे। बीच वाले में 0 निरूपित करेंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उस पर आप निरूपित करेंगे -1, और जो आपके राइट हैंड साइड में उस पर आप निरूपित करेंगे +1, ठीक है। या आपने कक्षा 10वीं में इस तरह से जो मार्किंग है ये आपने पढ़ रखा था मैथ्स में, तो वही मैंने यहाँ पर केवल यूटिलाइज किया हुआ बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि पी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। कुंड के नियम से प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन की आप क्या कर देंगे, फिलिंग कर देंगे। तो बच्चों मैं एक एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ इनमें, ठीक, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और ये है थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने आपसे बोला था बच्चों हम फिफ्थ और सिक्स इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पांचवें नंबर का इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ है, और ये हमारा सिक्स नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए
मेरे पास m का जो मान आया वो कितना आ जाएगा, माइनस वन, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के नीचे कितना रिप्रेजेंट है, माइनस वन। जबकि मैं सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो, क्योंकि उस ऑर्बिटल के सामने वैल्यू कितनी इंडिकेट है, जीरो इंडिकेट है। ठीक, तो इस तरह से क्या किया हमने बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या का भी निर्धारण कर लिया। चौथी क्वांटम संख्या हम निरूपित करेंगे और वो कहलाती है बच्चों चक्रण, चक्रण क्वांटम संख्या। बच्चों ध्यान दीजिए, चक्रण क्वांटम संख्या बिल्कुल स्वतंत्र है, इसके नाम में ही समझ में आ रहा है ये हमको केवल चक्रण की जानकारी देगी। ठीक, तो हमको जिन इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में जानना है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, एक कक्षक है इसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन जिसकी मुंडी ऊपर की तरफ आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं दक्षिणा वर्तन। ठीक, और जिसकी मुंडी नीचे दिख रही है उसको हम कहते हैं, इसका घूर्णन कैसा है, वामा वर्त घूर्णन, है ना। दक्षिणावर्त मतलब बेटा ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है और वामावर्त मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन बच्चों घड़ी की दिशा में घूमता है उस इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी जो वैल्यू है चक्रण क्वांटम संख्या की वो प्लस हाफ होती है, और जो वामावर्त होता है उसके लिए इसकी वैल्यू माइनस हाफ होती है। ठीक, आपको केवल ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने मेमोरी में इसको सेट करके रखना है। तो चक्रण क्वांटम संख्या निकालने के लिए हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के प्रतिरूप को देखते हैं। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, मुंडी ऊपर दिख रही है, इसका मतलब यह है कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए एस का जो मान है वो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक, दोनों के लिए प्लस हाफ हो गया। हमने चारों क्वांटम संख्याएं निकाली। सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों कि जब तक हम इनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, है ना, तब तक हम अपने नियम को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए कि तुलना कैसे करनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मैं परिणाम तालिका आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, हमने अपना नियम पढ़ा, नियम और निर्देश के आधार पर बच्चों हमको चीजों को समझना है। परिणाम तालिका, सबसे पहले बच्चों हम क्वांटम संख्या की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्रम, फिर क्वांटम संख्या, दो चीज हमको मिलेंगी। तो ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एन एल एम और एस। इलेक्ट्रॉन के क्रम में हमने निकाला है बेटा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए और हम निकाल रहे हैं सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, हमारी परिणाम तालिका आपके सामने चलेगी। उदाहरण मैंने लिया था बच्चों 2p3 को। ठीक, ऑर्बिटल के सामने नंबर कितना लिया, दो, तो इसलिए हमने एन का मान दो निकाला था। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए भी एन का मान दो था, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए भी एन का मान दो था। हमने लिया बच्चों L बराबर n माइनस वन, इससे आपने n की वैल्यू 2 पुट की, आपके पास कितना आया, आपके पास 1 आया, आपने उससे पहले 0 लिखा, आपने 1 लिया p का मान। ठीक है ना, p का मान आपने कितना इस्तेमाल किया, 1, तो दोनों के लिए आपकी वैल्यू 1 1 आ गई। फिर इससे आपने m का मान निकाला, m के मान के लिए आपने लिया 2l+1, यहाँ पे आपने 2 × 1, ठीक है, +1, तो आपने वैल्यू निकाली 3, ये 3 आई, आपने यहाँ पे 3 ब्रैकेट बनाई। ठीक, -1, 0 और +1, तीनों में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था उसके लिए वैल्यू कितनी आई, -1, यानी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए -1 है, जबकि सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी, 0 है। ठीक, फिर बच्चों हमने एस का मान निकाला, एस का मान फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 आया और सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए भी कितना आया, +1/2 आया।
तो दोनों के लिए प्लस हाफ। तो बच्चों जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा था, हमने आपसे कहा कि पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किन्हीं भी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। यदि कोई तीन समान हो जाएंगी तो चौथी अवश्य भिन्न होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी ये क्वांटम संख्याएं, ये क्वांटम संख्याएं और ये क्वांटम संख्याएं समान हो गई, लेकिन ये वाली क्वांटम संख्याएं भिन्न भिन्न हो गई। ठीक, तो डेफिनेशन को हमने क्या किया, प्रूफ भी किया। इसी तरह से आप अपनी बाकी की शेष गणनाएं कर सकते हो बच्चों।